बहुत बहुत आपका आभारी हूँ उपसभापति। आपके पास 10 मिनट हैं। उपसभापति महोदय, मुझे श्रम एवं रोजगार जैसे विषय पर बोलने का अवसर दिया। हम अपने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और अपने श्रम मंत्री जी के कुशल कार्यकुशलता को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। महोदय, श्रम एवं रोजगार दो ऐसे मानक हैं जिनसे एक देश की और एक राष्ट्र की स्थिति भली भांत आकलन किया जा सकता है। उपसभापति महोदय, हम सब ने बीते कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में कई विकासशील बदलाव देखे हैं जिनका प्रभाव देश के अन्य विकास कार्यों में भी प्रतिबिंबित हो रहा है। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं, आज अपना देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है, वो हम सब ने देखा। अभी हमने देखा, कुछ हमारे वरिष्ठ सदस्य ने अपनी बात को बड़े कह रहे थे, वो बहुत ही वरिष्ठ हैं, कह रहे थे बेरोजगारी की चिंता इस सरकार को नहीं है। हमको तो लगता है कि बहुत सारे लोगों को राजनीति से बाहर जब जा रहे हैं तो उनको अपने राजनीति की बेरोजगारी की चिंता हो गई। और महोदय, गत वर्ष 2021-22 में 21-22 में 13,306.5 करोड़ रुपए मंत्रालय को आवंटित किए गए, जिसमें से जिसे इस वर्ष बढ़ करके 14,248.72 करोड़ कर दिया गया। ये हमारे मंत्री जी की उपलब्धता नहीं तो है क्या? ये माननीय प्रधानमंत्री की ये उपलब्धता तो है क्या? ये लोगों को नजर नहीं आता। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए अत्यंत महसूस हो रहा है कि अधिकांश अन्य योजनाओं के लिए व्यय प्रतिशत 60 से 92.6 तक है रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में यह बात 100 में 100% रहा है। ये बेरोजगारी को दूर करने के लिए, महोदय, मैं कोरोना महामारी काल का अगर आपके सामने जैसी विषम विभीषिका से झेलने के बावजूद भी वर्ष 2021-22 के दौरान 1097 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 18 उद्योगों को 2,285 नियोक्ताओं ने भाग लिया था। महोदय, ये माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मंत्री जी के सहयोग से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि इस रोजगार मेले के माध्यम से नामांकित लाभार्थियों को कौशल प्रदान करने के साथ साथ सेवा वितरण और आईटी बुनियादी ढांचे में सुधार की दृष्टि से मंत्रालय में टाइम, जॉब्स, टीसीएस, आय आदि जैसे प्रमुख संगठनों को शामिल किया है। महोदय, मैं आपके सदन को यह भी बताना चाहूँगा कि असंगठित कामगारों के कल्याण हेतु एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाते हुए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को वितरण सुविधा प्रदान कराना। महोदय, उपसभापति महोदय, इस डेटाबेस में निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, गिग वर्कर, प्लेटफार्म वर्कर, कृषि श्रमिक, मनरेगा कार्यकर्ता, मछुआरे, दूध वाले, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, असंगठित क्षेत्र के इसी तरह के अन्य व्यवसायों में लगे अन्य श्रमिक शामिल होंगे।
इनके माध्यम से केंद्र तथा राज्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सामाजिक सुरक्षा को उपलब्ध कराई गई है। महोदय, यह इसके माध्यम से सभी असंगठित श्रमिकों एवं निर्माण श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत एक वर्ष के लिए 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क लाभ प्रदान किया जाता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रमिकों की चिंता जितना हमारे करते हैं, मैं जनवरी 2022 तक 22.85 करोड़ से अधिक श्रमिकों को अब तक ई पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। 34.9% पंजीकृत श्रमिकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में सबसे अग्रणी जो योगी सरकार ने अपनी भूमिका निभाने का काम किया है। महोदय, इसी के साथ मैं आपका ध्यान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर आकर्षित कराना चाहूँगा कि आमतौर पर ईपीएफओ आंकड़ा औपचारिक क्षेत्र के माध्यम से बड़े प्रतिष्ठानों में कम वेतन पाने वाले श्रमिकों को शामिल करता है, पर इसमें बहुत वृद्धि मौजूदा रोजगार के औपचारिक रूप से सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, 2021 के दौरान ईपीएफओ सब्सक्रिप्शन में मासिक वृद्धि दर्ज की गई है। ये मासिक वृद्धि शुद्ध रूप से वृद्धि न केवल वर्ष 2020 में संबंधित मासिक मूल्यों में अधिक रही है, बल्कि पूर्व महामारी वर्ष 2019 के स्तर को भी पार कर लिया है। ये दर्शाता है कि केवल न जॉब मार्केट औपचारिकता की ओर अग्रसर हो रहा है, अपितु नई हायरिंग में बढ़ोतरी हो रही है। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के कर्मचारी जिनकी मासिक आय 15,000 या उससे कम है, जिस वजह से वे ईपीएफओ अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य नहीं हो सके, उनके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी धन योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में की थी। इसके माध्यम से हम सब 46.9 लाख लाभुकों को नामांकन किया जा चुका है, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। मान्यवर, ये मोदी सरकार भारत की नई तस्वीर बताती है, दर्शाती है, रोजगार को बढ़ावा। माननीय सदस्य कंक्लूड करें। मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, 1 से 2 मिनट लूंगा। मैं समझता हूं कुछ समय का अभाव है। आपको मैं मान्यवर बताना चाहता हूं, आंकड़ों में मैं नहीं जाऊंगा, मैं कम शब्दों में अपनी बात को, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना, जो अंतिम व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंचे, रोटी कपड़ा और मकान रोजगार उपलब्ध हो, यह माननीय हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह सपना देखा था। उस सपना को पूरा करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मान्यवर, मैं कह रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों ने वो सारी चीजें देखी है, गरीबी क्या होती है, उन मजदूरों के साथ कौन है। जब तक माननीय मोदी जी की सरकार नहीं थी, तब तक उन मजदूरों की हालात क्या थी। आज मैं बताऊं, बनटांगिया के मजदूरों का दर दर भटकते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। ये सरकारें ना ही उनको राशन देती थी, ना ही उनको मिट्टी का तेल देती थी, अंधेरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनटांगिया को राजस्व ग्राम घोषित करके उन लोगों को सारी सुविधाएं, निशुल्क राशन, निशुल्क सिलेंडर, निशुल्क सारी सुविधाएं दे करके उनके घर में, उनके जीवन में उजाला पैदा करने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर, जब कोविड महामारी का दौर आया, हम लोगों ने देखा कि मास्क उनके पास उपलब्ध नहीं था, उनके पास बहुत सी सारी बचाव के उपाय नहीं थे, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों को सबको
निर्भर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबको जागरूक करके सबके लिए काम करने का काम किया। मैं आखिरी अपने मैं एक ज्यादा आगे अपनी बात को मैं समझ रहा हूं कि समय अभाव के चलते मैं अपनी बात को विराम देने से पहले अपने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता कोट करूंगा। उसके बाद मैं आखिरी अपनी बातों में भूखों को गोली नंगों को हथियार पिलाए जाते हैं, यानी जो लोग आज बहुत बड़े बड़े सुझाव दे रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, भूखों को गोली नंगों को हथियार पिलाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं, लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर गिलगिट की पर है गमगीन गुलामी की छाया, बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, आजादी अभी अधूरी है, इसीलिए इस देश को मोदी जी बहुत जरूरी है, मोदी जी बहुत जरूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, थोड़े दिन की मजबूरी है, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। थैंक यू। दिन दूर नहीं खंडित भारत को अखंड भारत बनाएंगे। उस स्वर दिवस के लिए कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उस पर ध्यान करें, इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है। धन्यवाद। और इस भारत के जनता के लिए, श्रमिकों के लिए, इस देश की जनता के लिए, भारत के लिए मोदी जी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। स्पेशल मेंशन।